हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अपने यहाँ फ़ोन पे का डाल दूँगा, जिसको भी यहाँ से आपको बनाना है वो बना सकता है। तो बनाने पे आपको भी पैसा मिलेगा और मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ से लिंक लेके डाउनलोड करते हो या नहीं। अगर आप नए यूज़र हो तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए यहाँ से लिंक लेके। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम जो फ़ोन पे है इसके वैलेट में, जैसे हमारा रेफ़र कोड से या किसी गलती से मेरा पैसा इसमें फंस जाएगा वैलेट में, तो हम कैसे इसे निकालेंगे। तो ये हमारा बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी टॉपिक को मैं आज यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं पूरी तरीके से आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे वैलेट में जीरो बैलेंस है। तो यहाँ पे मेरे पास तो कोई वैलेट में है नहीं बैलेंस, तो मैं यहाँ पे 1 रुपये ऐड कर लेता हूँ। ठीक, लेकिन इसको मैं लाइव से इसको मतलब गोल्ड खरीदना या फालतू वाला जो काम है इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया है। मैंने एक और वीडियो बनाया था जो कि अभी 50K से ऊपर जा रहा है, आप वो भी जाके मेरे हाईएस्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जैसे आप 1 रुपये ऐड कर दिए या आपने पहले से वैलेट में बैलेंस रखा हुआ है, तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं बाहर, अपने अकाउंट में कैसे ला सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप जब यहाँ पे सर्च वाले पे जाते हो तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने किया तो यहाँ पे क्या आया कि आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, जैसे स्कैन करते हो तो यहाँ पे आएगा कि पे कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे वैलेट से हम कैसे पे करेंगे, या मतलब हमारा कोई भी अकाउंट है तो उसमें हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इस पैसे को। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखिए पैसा कुछ ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 1 रुपये मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ऐड कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गया स्क्रीन, क्योंकि प्राइवेसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा कि 1 रुपये यहाँ पे सक्सेसफुल डन हो गया। ठीक, यहाँ पे डन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1 रुपये मेरे वैलेट में दिखा रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ स्कैनिंग वाले ऑप्शन पे। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी QR स्कैन करूँगा, लेकिन ये QR आपको ध्यान रखना है कि ये आपका बिजनेस अकाउंट ही होना चाहिए। देखिए वहाँ पे वैलेट का भी ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से जाके आप इस दोनों अमाउंट को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गलत अमाउंट डाल दिया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट करके फिर से रिकरेक्शन करूँगा। ठीक, यहाँ पे मुझे 39 रुपीज़ ही पे करना है, तो मैं 39 और प्लस में 1, ये मुझे इतना ही पे करना है, मैं इतना ही करूँगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो पे वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे वैलेट का जो बैलेंस था वो भी अब यहाँ पे साथ में ही पे हो जाएगा। तो अगर जो आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप बहुत ही आसानी से इस पैसे को इसमें से निकाल सकते हो। अगर नहीं हो सकता तो आप दुकान वाले को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो आप इसे कोई भी सामान खरीद सकते हो, तो इसमें आपको GST वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा।